चर्चा प्रारंभ होत है सुन साथ चित दे बजोराज श्याम प्राणनाथ सखी जीवन हमारा ए सखी जीवन ए महामती कहे ए मोमिनो भया चर्चा क्य अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत बोले श्री प्राणनाथ महामती कहे मोमिनो ये बीतक सरियत श्याम शर्मिंदे उ दोर क्या मात उदोर क्या माता आगे अपने पत्र पत्री लिखी सुसुरू अब कहो मे मजल की प्राणार आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे श्री सुंदर साजी तुम्हारे ऐसी चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कल के प्रसंग में हमने महामति के धाम हृदय में विराजमान स्वयं अक्षरातीत धाम धनी प्राणवल्लभ प्राण प्रियतम कल के घटनाक्रम में हमने सुना कि लालदासी के धाम लाल दिल में बैठकर जो ये घटनाक्रमों को सीरियल वाइज हमको सुना रहे धाम धनी तो कल के प्रसंग में हमने दिल्ली में बारह मोमिन कैसे तैयार हुए कैसे आपस में विचार विमर्श हुआ सुंदर सात तो बहुत से थे लेकिन ये कुर्बानी के लिए अपना सब कुछ तन मन जीव जो न्योछावर किया अपना सब कुछ जो समर्पण किया ऐसे मोमिनों की कुर्बानी हमने कल जो देखी वैसे तो अलग अलग संदेश के माध्यम से कई सुंदर साथ ने सेवा तो की लेकिन जो अपना जीव देने के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए जो अपनी कुर्बानी के लिए जो निकल पड़े वैसे बारह मोमिन अंतिम हमने देखा कि सिद्दिक पोलाद के मार से मोमिनों ने कैसे कष्ट सहन किया सिदि पोलाद ने कैसे यातनाएं दी और ये यातनाएं देने के बाद ये जो समाचार कांजी भाई द्वारा जब श्री जी कामा पहाड़ी में ठहरे हैं वहाँ ये दिल्ली और मथुरा के बीच में एक कामा पहाड़ी एक जो पहाड़ है उस पहाड़ के अंदर जो सुंदरसा जी एकांत स्थान है वहाँ श्री जी ठहरे हैं तो कांजी भाई वहाँ से बार बार शेख बदल और कांजी भाई आपको विचार आएगा कि शेख बदल तो बारह मोमिनों में साथ में थे तो कैसे लेकिन जमानत पर स्वामी जी इस धाम धनिया बता रहे हैं सुंदर साझ जी कि जमानत पर शायद बीच बीच में शेख बदल बीच बीच में छुट्टी भी मिलती होगी और वो कांजी भाई के साथ कामापाड़ी में जाते और वहाँ से पत्र का माध्यम पत्र के माध्यम से समाचार लाते फिर यहाँ से सुंदर साथ के समाचार फिर सीजी तक पहुँचाते और सीजी के समाचार पत्र के माध्यम से सुंदर साथ तक पहुँचाने की सेवा बीच बीच में कंजी भाई के साथ शेख बदल की भी रही सुंदर साथ जी यहाँ जो बारह मोमिन तैयार हुए वो बारह मोमिन कैसे थे सुंदर साथ जी उसकी क्या कुर्बानी थी आज मैं अभी अभी, अभी यमुना नगर से साढ़ा तीन बजे आई तो मैं यमुना नगर में जो सुंदर साथ के बीच में हमारी जो सुंदर साजी जी चर्चा रही उस घटनाक्रम में मैंने बारह एक बजे जो चर्चा हो रही थी तभी मैंने बताया कि सुंदर साथ जी आज सौ चार सौ मतलब सवा तीन सौ साल ले लो सवा तीन सौ साल पहले जो सुंदर साथ निकल पड़े अपना घर बार छोड़ दिया परिवार सगे संबंधी रिश्तेदारों को छोड़कर कोई एक घर में से दो सुंदर साथ निकले कोई एक घर में से चार निकले कोई सह परिवार पूरे परिवार निकल पड़े कोई घर में से सुंदर सा जी एक भी निकले दो भी निकले चार और सह परिवार निकल पर लेकिन दो दिन के लिए नहीं ध्यान से सुनना कोई चार दिन के लिए नहीं कोई पाँच दिन या एक महीने के लिए नहीं हम तो हर साल एक महीने के लिए अभी तक सुनने आने में भी कितने बहाने बनाते हैं कई बार तो इसमें भी बीच में सुंदर जी नहीं आ पाते एक दो दिन के लिए वो भी बीच में अंतर पड़ जाता दूरी बन जाती सुंदर जी वो रोज के लिए निकल पड़े ने जिसको कहा गया महाजर क्या कहा गया महाजर मैंने सूरत के प्रसंग में बताया था ऐसे महाजरो रोज के लिए घर से जब विदा हुए ने तो प्रणाम कर दिया अंतिम प्रणाम की कि हे धाम ये सुंदर जी घर के परिवार को बोला कि भाई हम रोज के लिए निकल रहे बस हम वापस लौटने वाले नहीं हैं तो मैं आज यमुना नगर के सुंदर सात को बताया कि सुंदर साद जी उस टाइम पे सुंदर सात ने रोज के लिए घर बार छोड़ दिया हम दो दिन के लिए तो यमुना नगर छोड़कर सरसावा में आए तक सुनने के लिए दो दिन के तो लिए छोड़े तभी तो हम मोमिन कहलाए वैसे तो कैसे दावा लेकर या सुंदर साथ जी बस हमने परम धाम से बोला परम धाम में के धाम धनी हम तो ब्रह्म सृष्टि है आपको नहीं भूलेंगे कितने बड़े बड़े हम दावा करके आए थे लेकिन हम दो दिन के लिए या दो घंटे के लिए हमारे पास टाइम नहीं है तो हम हमारा सिर धाम धनी के सामने कैसे ऊँचे कर पाएंगे कैसे हम बोलेंगे कि धाम धनी हमने हमारा कर्तव्य निभाया है जो भाई कर्तव्य निभा के बिना धाम धनी हमारा अधिकार कभी भी नहीं देंगे हम अधिकार पाने के लिए यहाँ आए हैं न अधिकार तब पाएंगे कि हम हमारा कर्तव्य पूरा करेंगे जो हमने कॉल किया है न परमधाम में मूल मिलावे में कि धाम धनी हम यही करेंगे यही करेंगे ये मोमिनों ने चल के दिखाया आज से सवा तीन सौ साल पहले चल के दिखाया इसलिए तो बताया इन्हने पगले आपन चालिए पगला एरे प्रमाण सुंदर सा जी इतना ही नहीं बीतक साहब में एक चौपाई लिखी कि महामती कहे मोमिनो देखो इनके कदम देखो इनके कदम इनको देख के जगाओ अपनी आत्म क्या बोला महामती कहे मोमिनो देखो इनके कदम इनको देख के जगाओ अपनी आत्म आपको लगता है ना कि भाई आ, कोई प्रमाण नहीं है कोई साक्षी नहीं है हम चले तो कैसे चले ये कुर्बानी की राह पर ये निजान संप्रदाय की ये शांति इस्लाम की राह पर हम कैसे चले लेकिन ये मोमिनों ने चल के दिखाया सुंदर साजी कि ये राह पर कैसे चलना चाहिए तो देखो इनके कदम और जगह वो अपनी आत्म अपनी आत्मा को जागृत करना है ने, तो इसलिए तो धामधनी ने अभी बीतक साहेब में लिखा कि मोमिनो कैसे चले और रोज हर हमेश के लिए अपने अंतिम विदा ले ली घर परिवारों से तो सुंदर साथ जी यहाँ जो बारह मोमिन है उसका नाम कल आपने सबका सुना मैं बताती हूँ छह दिल्ली के सुंदर साथ है उसमें गंगारा, गंगाराम दया गंगाराम बनारसी चंचल भाई और शेख बदल और कायम मुल्ला ये छः उसमें दो मुस्लिम सुंदर साथ है जो बदल और कायम मुल्ला और चार हिंदू सुंदर साथ है दयाराम भाई जो दयाराम भाई सुंदर शाह जी कभी भी खाली हाथ आते नहीं थे जब श्री जी के पास जाते थे तो अपने हाथ में कुछ कुछ चीज़ें वो कुछ कोई भी चीज़ें पदार्थ वो लेके ही साथ में आते थे और चंचल भाई अपनी दुकान से चोरी करके चोरी मतलब धामधनी की प्रति की उसकी निष्ठा देखो उसकी श्रद्धा देखो सुंदर सा जी उसका ईमान कितना पक्का है कि परिवार लोगों की ओर भी न देख के धामधनी के प्रति अपना कैसा नाता निभाया इतना नहीं सुंदर सा जी बनारसी भाई भी कैसे समर्पण किया और वैसे चंचल भाई बनारसी दयाराम जो एक तपसर हुसैनी नहीं लेके सुंदर साह जी हम कल के प्रसंग में सुना ने कि दयाराम भाई तपसर उसनी नहीं लेके आए उसमें से हमारी परमधाम की कई साक्षियाँ हमने कल सुनी ने सुंदर शाह जी तो जो दयाराम भाई ने इतनी बड़ी सेवा की कि तीन दिन और तीन रात तक धाम धनी अपने पलंग से अपनी सेजिया से नहीं उठे थे क्योंकि कुरान के अंदर हमारी साक्षियाँ मिली ऐसे दयाराम भाई सुंदरशा जी अपने जो एक मुस्लिम मित्र थे उसको झूठ बोला कि भाई हमारे एक और मुस्लिम मित्र है उसने मंगवाई है वैसे जो दयाराम भाई ने सेवा की इतनी नहीं फिर कुर्बानी के लिए भी तैयार वो हो गए हैं कौन दयाराम भाई तो दयाराम भाई कहीं नहीं गए सिर्फ रूप बदले हैं सुंदर सा जी हम सोचे कि हम कैसे सेवा करें मान लो आज किसी को साहित्य की सेवा करनी है हमको कोई किताब की सेवा करनी है कोई गरीब सुंदर साथ है उसके घर पे सरुफ साहिब की बदरावनी कर दो आप ठीक है ग्यारह सौ बारह सौ में ये सरुफ साहिब आता है सुंदर साहब जी छः सौ सात सौ में या कोई भी छोटी छोटी किताबें तमस के पार बौद्ध मंजरी ठीक है वैसे हमारी हमारी रहनी तो कई किताबें छोटी छोटी है जो हमारी घर की पहचान वैसे धर्मशास्त्रों में क्या क्या साक्षियाँ लिखी है सब पहचान कराती है तो ये आज जो दयाराम भाई ने सेवा की उस टाइम पे क्या सेवा की तब सिर नहीं की सेवा की तो वैसे ही आज वो दिन अभी भी है रूप बदले है दयाराम भाई कहीं नहीं गए हैं बस ये सिर्फ जामा बदले हैं तन बदले है हम भी वही सेवा में लग जाए सुंदर साथ जी तो ऐसे हमारे दयाराम भाई बनारसी भाई चंचल भाई गंगाराम भाई गंगाराम भाई ने सुंदर जी आसाजित वकील को जगाया था नैन सुख महाजन को जगाया था तो ऐसे जो उसने भी ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तोमे अंगना नार तो वैसे जो गंगाराम भाई ने भी अपनी जो सेवा की और सुंदरसा जी और आगे शेख बदल और जो कायम मुला जो अपना एक सुंदरसा जी सूफ़ी फ़कीर के थे वो और जो सूफ़ी फ़कीर होते हैं ना वो रात दिन खुदा ताला की बंदगी में वो सुंदर साहद जी लगाते हैं वो कर्मकांड आडम्बर शरीयत की तरीक़त की वो प्रार्थना बंदगी नहीं करते सुंदर साद जी तो ऐसे सूफ़ी फ़कीर के एक कायम मुल्ला भी थे वैसे आगे और छह सुंदर साथ कौन है तो सूरत के दो सुंदर साथ भीम भाई और नाग जी भाई देखो भीम भाई एक एक की सुंदर शाह जी सेवा को याद करो एक एक की सेवा को याद करो वैसे जब तक ये दिल की अवस्था नहीं बनती अंदर एक रूह की अवस्था नहीं बनती तब तक कोई कुर्बानी नहीं कर पाता पहले बहुत सी परीक्षा सुंदर शाह जी उसकी भी ईमान की इश्क की बहुत सी परीक्षा चली होगी तब वो परीक्षा में वो पास हुए होंगे ने तभी आज इस राह पर वो चले हैं वैसे इसलिए तो बताया कि खेल में मोमिनों की होते है परीक्षा सुंदर सा जी और मोमिनों के अंदर क्या लक्षण होना चाहिए शुक्र गरीबी ईमान ईश्क है शुक्र गरीबी सबर ये सब जो मोमिनों के लक्षण हैं तो मोमिनों के अंदर ऐसी रहनी होनी चाहिए तो वैसे हमारे भीम भाई तो भीम भाई ने सुंदरसा जी सूरत के सुंदर साद कैसी अगुवानी ली थी ली थी ने भीम की खुली नजर सूरत के प्रसंग में बताया था ने आत, अपनी खुल गई थी क्या खुली थी और अपनी सब सुंदर भीम भाई ने तो आत्मदृष्टि तो सूरत में ही खुल गई थी उसकी और अगुवानी लेके सुंदर जी जो आगे वो बढ़े वैसे हमारे भीम भाई और श्रीजी और बाइजू के सिंहासन पर बैठा कर उसने जो आरती उतारी सब सुंदर साथ की सिरदारी भी ली और वहाँ मंगल काम किया जो मंगलपुरी की स्थापना भी हुई वैसे हमारे भीम भाई वैसे वहाँ के एक नागजी भाई नागजी भाई की क्या सेवा थी पता है उसको खान सामा खिताब गरीबदास क्या खिताब भी मिला था खानसाना खान सामा और गरीबदास दो खिताब उसको दो शोभा मिली थी क्यों वो सुंदर सात की सेवा में रात दिन जवाबदारी निभाते थे सुंदर साहद की खाने पीने की सुंदर साह की जो भी रसोई बनाने की जो भी सेवा थी ने वो गरीब दास संभालते थे अभी हमने देखा ना दिल्ली में भी शाहजहानपुर बोरिया में सुंदरसाह जी तो वहाँ जब श्री जी हरिद्वार के मेले से चार मास के बाद आए तो ये सेवा कौन संभाल रहे थे नाग जी भाई जिसको गरीबदास खान सामा की शोभा मिली है तो ऐसे हमारे नागजी भाई दो सूरत के सुंदर साथ भीम भाई और नागजी भाई और आगे दो सुंदर साथ सुंदर शाह जी के कौन है एक तो हमारे लालदासी और दूसरे हमारे चिंतामणि लालदासी कौन थे सुंदर साहद जी नियान जब न्यानबे जहाज के वो सेठ थे मालिक थे और एक खाली लोटा लेकर सुंदर जी चल पड़े और धामधनी ने कैसे डुबाया जहाज को कैसे गोदाम में आग लगवाई और कैसे उसने समर्पण किया ठट्ठानगर से तो नहीं निकले थे लेकिन जब श्री जी सूरत में पहुंचे ने तो वहां से श्री जी के साथ वो भी जुड़ गए जुड़े लेकिन अंतिम श्वास तक तो सेवा निभाई सुंदर जी उसके बाद भी अपनी अंतिम लीला जहाँ पूर्ण की पन्ना जी दरबार में बंगला जी दरबार में उसके बाद उसकी समाधि भी श्री जी के सामने लगी है और श्री जी को सुंदर सा जी श्री जी हमारा घुमर जी दरबार है ना घुम्वर जी दरबार उसका जो पूर्व का दरवाजा पश्चिम में हम चलते हैं ना परिक्रमा करते हैं तो दरवाजे के सामने घुमटी बनी है ना श्री लालदा की और उसके पत्नी लालबाई धर्मपत्नी और उसके जमाई सुंदर जी राम राय उसकी प बेटी जो थी श्याम भाई उसने तो गड्ढे में तन छोड़ दिया था तो कैसे अपना समर्पण कर दिया है कैसे अपना न्योछावर कर दिया है एक निजानंद संप्रदाय की राह पर एक दिने इस्लाम की राह पर ऐसे महाजरों की सिफत सुंदर जी ये जूठी जुबान से ये जूठी सुंदर जी यहाँ की शरीर से या ये जूठे मुख से या जो भी कहूँ यहाँ के अंतस्करण या मन बुद्धि के धराधल पर यह मोमिनों की सिफत गाई नहीं जा सकती ये जुबान तो यहाँ की है ये बुद्धि भी यहाँ की है सुंदर सा जी लेकिन ये मोमिनों की सिफत कहाँ गाई जाएगी परम में। धाम में धामधनी बीतक में बताएंगे कि मोमिनों की सिफत परम धाम में गाई जाएगी यहाँ ये इसकी सिफत नहीं हम गा पाएंगे झूठी जुबान से झूठी यहाँ की बुद्धि से और ऐसे लाल दास को बुजरग बाई भी श्री जी कहते थे क्या कहते थे अष्टपौर में आएगा बुजुर्ग बाई हे आस बाई हे बुजुर्ग तू तो कहाँ गई बस लाल लाल, लाल दास नाम रखा था दास मतलब लाल मतलब प्रेम के स्वरूप दास मतलब पल पल श्री जी के चरणों में हम अष्टपौर में देखेंगे एक पल श्रीजी से वो अलग नहीं होते थे बस छत्तीस विभाग की अलग अलग सेवा संभालते थे रामनगर से आगे से रामनगर में फिर सेवा उस, उसने दूसरे सुंदर साथ को दी फिर उसको फिर दे दी गई तो भी सुंदर साथ जी एक पल आज तो हमारे को काम भी क्या है हम किसी को सेवा सौंपे तो क्या बाना बाजी करेंगे वो क्या बाना बताएंगे कि भाई कैसे सेवा करें कितने काम रहते हैं कितने ये रहते हैं लेकिन तभी सुंदर साथ जी श्री जी के टाइम पे जो लीला चल रही थी उस टाइम पे लालदासी छत्तीस विभाग की अलग अलग सेवा संभा डिपार्टमेंट की अलग अलग सेवा संभाल रहे थे तो भी कितनी एक पल भी श्री जी के चरणों से वो दूर नहीं थे ऐसे हमारे लालदासी जिस तन में बैठी थी आशवाई परमधाम की वैसे हमारे चिंतामणि हजारों शिष्यों के साथ श्री जी के चरणों में जब ठठानगर पहुँचे ने इतना ही नहीं सुंदरसा जी अपना अहंकार को क्या बोला लाठी मारो सिर ऊपर काले कुत्ते को सुंदर सा अहंकार रूपी काले कुत्ते को है श्री जी आप ज्ञान रूपी लाठी से मार दो बस मैंने पहचान कर ली है आपकी कि आप साक्षात ही ब्रह्म स्वरूप हो अवलौकिक महापुरुष हो वैसे वहाँ बोला था ठठानगर में उसने क्योंकि मेरे गुरु ने जो कहा था मेरे सतगुरु साई ने कहा था वही महापुरुष आप हो तो ऐसे चिंतामणि दो ठठानगर दो सूरत और दो रहे खिमाई भाई बुंदेलखंड से और सोमजी भाई खम्भात से खिमाई भाई बुंदेलखंड से और सोमजी भाई खम्भात से तो उसने भी कैसी सेवा की सुंदर जी अपना तन मन धन जीव ये सब कुछ धनी की राह पर निजानंद संप्रदाय की राह पर अपना सब कुछ समर्पण कर दिए तो ऐसे बार मोमिन जब औरंगजेब बादशाह को क्यामत संबंधी और सात निशान जाहिर हो गए कलम ने सुना दाबातुल अर्ज आजुज माजुब मगरब में सूर्य और दज्जाल रुहल्ला, रूहल्ला इमाम मेहंदी और असराफिल जो सात निशान की हम दो दिन से बात सुनते आ रहे हैं उसमें हम ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं करेंगे तो सुंदर साहद जी ऐसे हमारे जो बाहर मोमिन जब संदेश देने के लिए औरंगजेब बादशाह के दरबार में गए और वहाँ जाने के बाद सुंदर शाह जी बोला कि भई क्यामत का समय आ गया है कल हमने क्यामत की परिभाषा सुनी व्याख्या कैसे कि वो लोग मानते थे क्यामत मतलब महाप्रलय क्यामत तो महाप्रलय हो जाएगा इस सृष्टि का संसार का तो हम हमारे सांसारिक सुख कैसे भोगेंगे लेकिन यहाँ क्यामत मतलब आत्मा की जागृति सुंदर शाह जी जो ऐसा ज्ञान आया इस संसार में कि अभी तक ये जीव कोई भी नारायण से पार नहीं जा सका था ऐसा ज्ञान जो ये कलयुग के अंतिम चरण में आया उसको कहा गया क्यामत का निशानी वही है कि जो ज्ञान मुर्दे को खड़ा करेगा बताया ना कि मुर्दे को ये ज्ञान खड़ा करेंगे मुर्दा मतलब ये शरीर एक मुर्दा है ये शरीर एक कब्र है क्या है मुर्दे को कहाँ दफनाया जाता है कब्र में दफनाया जाता है ना समाधि दी जाती है ना तो शरीर एक कब्र है क्यों शरीर को कब्र कहा गया मुर्दा क्योंकि हजारों साल से जीव बार बार जन्म ले रहा है ये तन बदल रहा है अनेक योनियों में जा रहा है पुता अपनी ये जीवन व्यतीत करता है फिर मरता है फिर दूसरी योनि धारण करता है फिर जन्म लेता है मतलब और फिर मरता है वैसे अनेक योनियों में घूमता रहा कभी भी उसने अखंड धाम की सुगंधी भी नहीं पाई थी कभी भी उसने अखंड धाम का प्रकाश नहीं मिला था उस जीव को कभी भी मुक्ति नहीं मिली थी तो आज ऐसा ज्ञान आया कि निज नाम सोई निज नाम सोई जाहिर हुआ चाकी सब दुनी राह देखत मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत सुनियो दुनिया आखरी जो भाग बड़े है तुम जो कबूकानो ना सुनी सो दीदार करो खसम तो ऐसा ज्ञान आया कि अभी भी किसी ने कहा नहीं था तो सुना तो नहीं है जो किसी ने कहा ही नहीं तो कोई ने सुना भी नहीं था ऐसा अवलौकिक अखंड ब्रह्म ज्ञान इस संसार में आया तो सुंदर साह जी क्यामत संबंधी संदेश इमाम मेहंदी साहिब जमा प्रकट हो चुके हैं लेकिन हम कल के प्रसंग में देखा हम आगे बढ़े कि औरंगजेब बादशाह के साथ मुलाकात होने के बाद उसने जब अपने कोटवाल सिदि पौलाद के हवाले भेज दिया जब वहाँ भेजा गया तो तब सिदिक पोलाद ने क्या क्या यातनाएं दी क्या क्या मार मारा एक कोडे से जो मार मारा है सुंदर साह जी तो ये मार मारने के बाद जब ये पत्र कांजी भाई ने श्री जी को पहुंचाया कहाँ कामा पहाड़ी में क्यों लिखा श्री जी ने पत्र ये सुंदर साथ को सांत्वना देने के लिए सुंदर साथ का मनोबल दृढ़ बनाने के लिए कि कोई इस दुख से कोई इस यात्रा से पीछे अठ ना करे जागनी यात्रा में पीछे अठ ना करे अपना मनोबल और दृढ़ बनाए उसी सुंदर सा जी उसी हिसाब से उसको सुख देने के लिए उसको सांत्वना देने के लिए उसको एक प्रेरणा देने के लिए ये पत्र लिखे और जब ये पत्र सुंदर शाह जी कांजी भाई यहाँ जो सुंदर साथ पर यातनाएँ पढ़ी ये पत्र लेकर कांजी भाई जब श्रीजी के पास कामा पहाड़ी में पहुँचे तो श्री जी के अंदर बैठी हुई इंद्रावती की आत्मा तम उठी अंदर से इतनी तम तमा उठी क्या बोला कि धनी ये खेल को बस करो बस खत्म कर दो ये खेल को बस करो बस खत्म कर दो ये खेल नहीं देखना है ये खेल नहीं देखना है बहुत देख लिया खेल हम गाते ना साढ़े चार की अर्जी में पिछला बाकी दीन रया चार धाम वतन चलने की मोमिन करे विचार अरस की निमाज का आए पहुँचा अवसर जी सुंदर साथ करे चरणों में हो के खड़े पिया जी धनी जी पिया जी धनी जी खेल को बस करो दीना भी ते हैं बड़े अरजी सुंदर सा थकरे करे चरणों में हो के खड़े सुंदर सा जी यहाँ अरजी जो साढ़ा चार बजे हम खेल में आए थे उस टाइम फिर वापस यही पल में ही खेल से वापस परमधाम जाना है वहाँ पल भी बीती नहीं है, वहाँ एक साइड भी बीती नहीं है, यहाँ हजारों साल बीत गए जब अमरज में आए थे सुंदर साथ जी उसके बाद अमरास में गए फिर रम झागनी ब्रह्मांड में आए हैं, यही पल में मूल मिलावे में जगना है सुंदर जी तो यहाँ बताया कि इंद्रावती जी महामती ने बोला कि ये खेल को बस करो बस तनी मेरे लाडले सुंदर साथ ये औरंगजेब बादशाह को ये खुदा का एक रसूल बनकर पैगाम लेके गए थे संदेश लेके गए थे ये मेरे लाडलिया या की झांकी असल चौथे आसमान सुंदर साजी जी बड़ाई बड़ी बड़ाई इनकी झाँकी सिफत करे सुभान! ऐसे मेरी लाडली आत्माओं पर आपने इतना अत्याचार गुजारा बस ये खेल को बस करो नहीं देखना है सुंदर साथ को यह खेल फिर धामधनी ने इंद्रावती के अंदर अंत प्रेरणा की अंदर से कि नहीं इंद्रावती अभी खेल को कैसे बंद कर, खेल को कैसे खत्म करूं कैसे बस करूं क्योंकि अभी वानी भी नहीं उतरी है पूरी अभी कहाँ पहुँचे कलम ने देखा अनुप सनंद ग्रंथ भी उतरा और आगे बहुत सी वाणी किरण तन खुलासा खिलवत परिक्रमा सागर शिंगार सिंधी मार्फत सागर क्यामत की वाणी तो आगे और उतरनी है सुंदरसा जी यहाँ बोला महामती को धामधनी मूल स्वरूप ने कि महामती अभी खेल ख़त्म नहीं होगा क्योंकि अभी वाणी नहीं उतरी है शकुंडल और साकुमार की आत्मा भी जगी भी नहीं है आपने बोला है कि वो दोनों राज घराने में है तो कैसे खेल खत्म करूं इतना ही नहीं अभी तो जागनी का दौर शुरू हुआ है अभी तो जागनी का दौर भी शुरू हुआ है क्योंकि कहाँ से हुआ दीवबंदर से हुआ लेकिन कते परंपरा का ज्ञान तो अभी अभी मेहता से शुरू हुआ है तो अभी खेल ख़त्म नहीं होगे तो यहाँ सुंदर जी इंद्रावती जी ने प्रार्थना की और श्री जी ने तो ही अंदर व्यथित हृदय महामती ने अपना व्यथित दुखी हृदय से सुंदर साह जी एक टीस निकली एक पुकार निकली उसने बोला कि मेरे लाडले सुंदर साथ को जो दुखी किया है औरंगजेब बादशाह के दरबारियों ने और औरंगजेब के कहने पर तो हे औरंगजेब बादशाह क्या होगा तेरा तेरा भी तहस नहस निकल जाएगा इतना ही नहीं क्या तेरे विनाश की ओर तू आगे जाएगा इतना ही नहीं तू ये सिंहासन पर जहाँ बैठा है ने वो तख्त पर आप बैठ नहीं पाओगा तो सुंदर जी ऐसी एक पुकार निकली तो धाम धनी के बोले हुए वचन तो सीधी सत्य ही सिद्ध होते हैं जैसे उसने ये बोला तब से सुंदर जी वहाँ कहाँ औरंगजेब बादशाह का दरबार कहाँ है दिल्ली में सुंदर जी जामा मस्जिद के सामने ही उसका घर लाल किले में पड़ता है तो वहाँ क्या हुआ तो जैसे वो सुंदर सा जी अंदर से पुकार निकली टीस निकली तो वहाँ तो वहाँ औरंगजेब बादशाह के राज दरबारियों या परिवार के अंदर विनाश की ओर सुंदरसाद जी ये लीला शुरू हो गई धीरे धीरे उस परिवार एक विनाश की ओर अंदर धकेले जाने लगे और इतना ही नहीं और आगे सुंदर शी जी क्या लीला हुई कि जैसे श्री जी ने जो अंदर की इंद्रावती की आत्मा ने पुकारा कि भाई तू ये बादशाह हमारे नियमों को मतलब क्यामत संबंधी संदेश को आपने नहीं सुना तो क्या तेरा होगा तो आगे सुंदर शाह जी जो श्री जी ने बोला वही आगे होना भी शुरू हो गया और आगे और भी एक लीला सुंदर शाह जी घटित हुई लीला हुई तो जो बादशाह जब सुंदरसाज जी जब यहाँ यात्राएँ देगी सिद्धि पोलाद के द्वारा तब मक्के के अंदर मक्का के अंदर जो मस्जिद है उसके दो मीनारे भी टूटकर नीचे आ गए इतना भी नहीं वहाँ से वसीयत नामे उठकर हिंदुस्तान में इमाम मेहंदी के पास पहुँच गए और इतना भी नहीं इमाम मेहंदी के पास पहुंच गए और बादशाह के भी पास संदेश पहुंच गए वसीयतना में वहां से उठ गए और यहां कहां पहुंचे बादशाह के पास वसीयतना में पहुंचे और इमाम मेहंदी वहां से जो वसीयतना में लिखे थे बोला कि भाई चारों वसीयतना में क्या तो बोले कि कुरान मोमिनों की सफ़कत बरकत नूरी झंडा और कुरान वहां से उठकर क्या आ गया हिंदुस्तान में मक्के से उठकर कर यहाँ आ गया और बादशाह जो मस्जिद के दो मीनारे भी टूट पड़े ये हमारी साक्षियां है आज तू ये साक्षी को स्वीकार कर ले तो थोड़ी देर के लिए तो उसने वसीयत नामे पढ़कर उसके अंदर ईमान भी आया ईमान आने के बाद उसने सोचा कि सही में वास्तविक स्वरूप ये इमाम मेहंदी का ही है सही में लेकिन मेरे अंदर मन क्यों नहीं मान रहा है क्योंकि दरबारियों ने पहले से तय करके अंदर से रखा था कि जो हमारे बादशाह औरंगजेब इमाम महंदी के चरणों में चला जाएगा उसकी बातों को जो मान लेगा तो हम उसको मार डालेंगे हम उसको मार डालेंगे क्यों मार डालेंगे क्योंकि हमारी मान्यता है सब नष्ट हो जाएगी हमारी जो शरीय और तरीक़त पर जो हमारा शासन ये चल रहा है जो ये आडम्बर कर्म कांड चल रहा है ये सब मान्यस्ताएँ नष्ट हो जाएगी और इमाम और औरंगजेब बादशाह पूरे हिंदुस्तान का राजा बनकर वो बैठा है तो ये शासन भी हमारा समाप्त हो जाएगा तो सुंदर शाह जी जो कई कई निशानियाँ महामती के धाम दिल से पुकार निकली ने तो कई कई निशानियाँ वहाँ घटने भी लगी इतना भी नहीं बादशाह जब सिंहासन पर बैठने लगे जब बैठने लगे तो वहाँ शेर देखा क्या देखा शेर देखा और बोले कि भाई वहाँ तो शेर बैठा है अपने दरबारियों को तो दरबारियों ने बोला कि जहाँ पर ना नहीं वहाँ तो कोई शेर नहीं है आपको क्यों दिख रहा है तो बोले कि नहीं नहीं देखो तो मेरे सामने देख कर गुर्रा भी रहा है वहाँ शेर बैठा है वो तो बोले कि नहीं नहीं वहाँ कोई भी नहीं है आपको थोड़ा भ्रम हो गया है आपकी कई गलती है भूले तो कि नहीं नहीं वहाँ शेर बैठा है तो भी दरबारियों के कहने पर जब वो अपने सिंहासन पर बैठा तो जैसे वो बैठा तब सीधे सिंहासन उल्टे हो गए और बादशाह नीचे गिर गए सुंदर शाह जी सिंहासन उल्टे हो गए और बादशाह भी नीचे गिर गए क्योंकि सी जी ने बोला था ने जो अंदर से एक पुकार तो धाम धनी के कहे हुए वचन कभी भी झूठा नहीं ठहरते और शाह जी अपने दरबारियों बोल रहे कि बादशाह आप तो पांच टाइम की नमाज भी पढ़ते हो रोज़ा रखते हो नमाज़ पढ़ते हो कलमा पढ़ते हो तो आपको क्या हो गया है आप पर तो कुछ नहीं बीतेगा मतलब आपको क्या हो गया है शेर सिंहासन पर कुछ शेर बेर कोई नहीं है तब बोला कि नहीं नहीं वहाँ शेर बैठा है क्योंकि उसको एक को ही शेर दिखाई दे रहा था न श्री जी ने बोल दिया कि वो से कभी भी सिंहासन पर वो बैठ नहीं पाएगा तो सुंदर जी ये चौपाई सिंगार ग्रंथ के अंतिम प्रकरण में भी बताई थी बताई है कि शाह होते कौन शाह कहा होते थे औरंगजेब बादशाह तखत दिए उल्टाए शाह होते और तखत दिए उल्टाए वो कहते कहलाते थे क्या राजा एक शाही दरबार के आलमगीर और क्या हुआ तख्त दिए उल्टाए धामधनी महामति के दिल से पुकार आई सुंदर साची जी वो तख्त दिया उल्टाए और ऐसी ऐसी कई घटनाएँ घटी और उसके बाद श्री जी ने जो वहाँ से सुंदर सात को सांत्वना देने के लिए जो पत्र लिखे और उसमें कई कई मोमिनों की जो कुर्बानियाँ हैं सुंदरसाद जी धामधनी ने भाई किरंतन ग्रंथ में बहुत से प्रकरण कुर्बानी के दिए हैं उसमें मैं एक चौपाई आज बताओ और बाकी की चौपाइयां हम कल भी सुनेंगे किरंतन ग्रंथ की साथ जी शोभा देखिए करे कुरबानी आतम साथ जी शोभा देखिए करे क़ुरबानी आतम वारदारो नाख न सिखलो ऊपर धाम धनी सिखलो ऊपर धाम धनी खसम साथ जी सो देखिए करे कुरबानी आतम सुंदर सा जी चौपाई गाने में तो सरल है लेकिन प्रैक्टिकल चलने में चरितार्थ करने में बहुत कठिन है क्या बताया साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम ये तीसरी चौपाई मैंने दो चौपाई तो पहले भी शुरू शुरू में बोली ने इनको देख के जगा वो अपनी आतम सुंदर सा जी एने पगले आपन चालिए तीसरी है सात जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम हे यहाँ महामती के शब्दों में सुंदर जी कहा जा रहा है कि हे मेरे प्राणधार सुंदर जी क्या शोभा देखने की बात कही कि अपना धाम धनी अक्षरातीत प्राणवल्लभ शिराज जी पर अपना सब कुछ क्या क्या तान मान धान जीव अपना सब कुछ न्योछावर कर दीजिए इतना ही नहीं और आगे बोला कि धाम धनी के प्रेम में डूबकर धाम धनी के प्रेम में डूबकर अपना सब कुछ समर्पण की अग्नि में अपना सब कुछ सुंदर जी न्योछावर कर दीजिए इतना ही नहीं उसके प्रेम में डूबकर क्या कीजिए धामधनी की शोभा को आप निहारिए उस मस्ती में उस श्रृंगार में उस शोभा में आप डूब जाइए किस शोभा में धाम धनी के स्वरूप में उसके श्रृंगार में उसके वस्त्र और आभूषण में आप अपने को डूबोइए साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म तो यहाँ बताया किस कुर्बानी की बात की ठीक है सर के स्वरूप पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिए लेकिन ये मोमिनों की कुर्बानी देखिए सिर्फ भाई तन मन धन जीव ने न्योछावर किया उसने प्रैक्टिकल एक कहने की बात नहीं है करने की बात है बोलिए ऐसी प्रारण क्या है एक कहने की बात नहीं है ये करने की बात है जब मोमिन बारह मोमिनों ने अपनी कुर्बानी की न सिजी पत्र में आगे लिखेंगे कि हे सुंदर साथ जी आप अपने और सुंदर साथ को पत्र लिखो ने तो उसको पत्र में साफ साफ बता देना क्या बता देना कि ये बता देना कि हे मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी ये काम सिर्फ हमने लिखा नहीं है पत्र के माध्यम से हमने करके दिखाया है बादशाह के दरबार में औरंगजेब बादशाह के दरबार में ये काम हमने करके दिखाया है हम सिर कटवाने के लिए भी हम तैयार हो गए हैं क्योंकि हमको धाम धनी की पहचान हो गई है क्योंकि हम मरेंगे तो धाम में जंगेंगे मोमिनों को मरने का डर नहीं है इसलिए तो बताया पहले आप मुर्दे हुए पहले आप मुर्दे हुए सब दुनी करी मुर्दार हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुँचे नूर के पार पहला सुंदर साथ जी हमको मरना पड़ेगा मैं ये शरीर छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ भाई ये शरीर के अंदर से प्राण निकालने की बात नहीं कर रही हूं मरना मतलब संसार परिवार रिश्ते सगद संबंधी की ओर हम जी रहे हैं ना अभी हम संसार के लिए जी रहे भले हम बोल रहे कि हम राज्य के लिए जी रहे झूठ मत बोलना राज्य तो तन की मन की और दिल की ये सब चोरी जान रहे दामदनी जो बात उठावे मन से एक चौपाई भी धनी ने बाकी नहीं रख जो बात उठावे मन से वो पहुंचे सबे वतन एक जरा छिपी न रहे आगुइन खसम क्या बताया धाम धनी ने कि हमारे अंदर अभी आप बैठे हो ना सब आपके दिल में थोड़ी कुछ बात उठी ना अभी मेरे को लगता है कि दीदी लोग मेरे सामने देखकर बात बहुत ध्यान से एक ही कॉन्ट्रेशन के साथ मतलब एकाग्रता एक से साथ सुन सुन रहे हैं लेकिन आपका मन कहीं इधर और मतलब दूसरी जगह चला गया है ना समझ में आया मेरे को पता नहीं है कहीं किसी का घर में चला गया कोई किसी का बिजनेस में चला गया किसी का कुछ किसी का कुछ कहीं भी चला गया ठीक है लेकिन मेरे को पता नहीं है लेकिन धाम धनी को तो पता है कि मेरी लाडली बेटी तो यहाँ है लेकिन चली कहाँ गई है और जगह ठीक है तो हमारे अंदर से जब बात उठेगी ने वो भी धाम धनी को तो पता है वो भी धाम धनी को तो पता है कि मेरी लाडली पल पल क्या कर रही है सुंदर साज जी इसलिए तो धाम धनी ने बताया कि खावना पीना दीदार यही और शुरू न पल पल मासु को देखना यही आहार आशी करना क्या बताया पल पल मासु को देखना यही आहार आशिक हम खाते पीते उठते बैठते हमारा आहार क्या है पल पल मासू को देखना यही और श्रोहन और श्रोहन मतलब परमधाम की ब्रह्मात्मा का लक्षण क्या है उसकी रहनी क्या है पल पल मासू को देखना सिर्फ हम तो क्या करते हैं बस सुबह को आधे घंटे के लिए राज्य के पास फॉर्मेलिटी कर लेंगे या एक घंटे के लिए आधे घंटे वाणी पढ़ेंगे आधे घंटे ध्यान कर लेंगे फिर रात को फिर दोपहर को कई बार याद आ गई कि चलो मंदिर में जाए मत्था टेक ले ठीक है तो भोग लगा दिया पौधावनी पर्दा कर दिया फिर उठा दिया चार बजे इतना कर लिया ठीक है या धामधनी ने क्या बताया पल पल मासु को देखना यही राशि कन ये बताया ना धाम धनी ने सुंदर साज जी हम तो सुबह शाम सिर्फ फॉर्मोलिटी कर रहे हैं हम राज्य के लिए नहीं मर रहे मेरी बात मूल यही थी हम परिवार के लिए मर रहे हैं हम परि परिवार के सगे संबंधी के लिए मर रहे हम संसार के लिए मर रहे हम संसार की हर चीज़ के लिए मर रहे हम संसार की सुंदरशा जी हर एक एक यावत सामग्री को पाने के लिए मर रहे लेकिन हम हमारी आत्मा के लिए हम कितने देर के लिए मर रहे हैं मतलब हमारी आत्मा के निज सुख के, के लिए हम कितनी देर के लिए मर रहे हैं पल पल हम संसार के लिए तो कई चीज़ों को एकत्रित करने में हमने हमारा पूरा जीवन लगा दिया है जो चीज़ हमारे साथ आने वाली नहीं है सुंदर सा जी जैसे हमारी नेत्र बंद हो गए तब ये सब कुछ यहाँ छूट जाएगा जितना भी धन हमने एकत्रित किया है जितने भी कोठियाँ बना ली जितने भी हम जो जहाँ से सुंदर सा जी हमारा अनादिकाल से जिस धनी के साथ हमारा नाता है ये प्राणवल्लभ के साथ ये नाता हम भूल गए और तीस चालीस या पचास साल से जिसके साथ हमारा नाता बंधा वही संबंध को हमने अखंड मान के रखा है कि वही हमारे अखंड नादि संबंध है सुंदर सा जी वो तो एक दिन छोड़ना है इसलिए तो धाम ने बताए कि खिन एक लेऊ लटक बन जाए जन्म थी तेरो अंग जूठो देखत ही मिट जाए खिन एक लेऊ लटक बन जाए तो यहाँ बताया कि पल पल किसके लिए मरना चाहिए धाम धनी के लिए जो हमारी रूहों ने चल के दिखाया ठीक है हम मर रहे चौकस मर तो हम ही रहे हैं। लेकिन दोनों को मरने दोनों को मरने में बीच में डिफरेंट है इसलिए तो बता बताया धाम धनी वाणी में कि मरमर कोई तो सब जाते हैं, मतलब मरमर -मर कोई तो सब जाते, लेकिन मोमिन मौत फर्क क्या बताया ये संसार में तो हर कोई मर रहा है मर रहा है न जो आया वो तो जाएगा ही ठीक है एक चिट्ठी भी मर रही है एक प्राणी भी मर रहा है एक पशु भी मर रहा है एक मनुष्य भी मर रहा है ठीक है चलो वो प्राणी पशु की तो बात ही छोड़ो मनुष्य अपना तन छोड़ता है सुंदर साह जी कितने दिन ये लोगों को परिवार के लोग या संसार के रिश्तेदार कितनी देर याद करते हैं उसको कितने दिन याद करते हैं बहुत तो सुंदर जी दो दिन रो लेगा चार दिन या पाँच छः दिन ठीक है फिर रिश्ता वहाँ से संबंध हमारा पूरा कोई अपना नहीं है, अभी कोई मोह कर रहा है प्यार तो संसार में कोई करने वाला है ही नहीं कोई मोह कर रहा है नहीं ये भी शरीर को कर रहा है शरीर के शरीर से होने वाले काम को कर रहा है हमारी रूह को हमारी आत्मा को कोई प्रेम करने वाला इस संसार में नहीं है एक ही दर्दी है सुंदर एक ही जो हमारे प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम प्राण नाथ है जो रूहों के लिए पल पल सुंदर शाह जी क्या कर रहा है हमारे बिना हो रहे हैं नहीं पा रहा है और पल पल उसको लगी है हमारी हमको उसकी नहीं लगी हाँ हमको संसार की लगी है सगे परिवार की लगी है सुंदर शाह जी माता पिता सास ससुर घर के बाल बच्चे परिवार की लगी है लेकिन उसकी नहीं लगी लेकिन उसको सब छोड़कर परमधाम को छोड़कर किसकी लगी है हमारी लगी है हम सब हमको सबकी लगी है लेकिन एक की एक की किसको लगी थी बारह मोमिनों को लगी थी हमको नहीं लगी है एक की हमको तो सबकी लगी है लेकिन एक की नहीं लगी है बारह मोमिनों को एक की लगी थी सबकी नहीं लगी थी क्योंकि सबकी लगी होती तो तो परिवार को थोड़ी छोड़ते सबको छोड़ के निकल पड़े ने रोज के लिए विदा ले ली प्रणाम कर लिया अंतिम प्रणाम कर लिया ठीक है हम यहाँ बैठे बैठे दिन, दिन में कितने फोन करते परिवारों को एक दो घंटे हम यहाँ बैठते दो घंटे में हम कितने फोन अटेंड कर लेते कितनी बार किसी के साथ हम बात कर लेते इधर उधर कोई आते जाते ये भी देख लेते हमारी मन की एक एक क्षण भी हम स्थिर देते क्या ये लोगों ने रोज के लिए उ, उसका नाम सुंदर सा जी रोज के लिए उसमें अखंड हो गया ये बित्तक रहेगी नहीं ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक हमारे निजानंद संप्रदाय में हर मंदिर हर पुरी हर स्थान सुंदरसा जी हर स्थानों में 400 साल की ये परंपरा साढ़ा सवा तीन सौ साल की ये परंपरा में ये बित्तक की जो लीला हर साल एक महीने हम सुनते हैं ना ये घटनाक्रमों को तो ये हर साल ये मोमिनों को क्यों याद किया जाता हम तो इससे हमारी तो कोई याद ही नहीं है मतलब हम घर से निकलते तो दो लोग प्रणाम भी हमारे सामने देख के नहीं करते या घर के चलो दूसरे तो लोगों को तो छोड़ो घर में भी हमारा कितना मान सम्मान है ये आप अपने आप को पूछ लो ने घर के लोगों के प्रति भी ये लोग बस प्रेम कर रहे तो मैंने बोला ना वजूद को कर रहे शरीर को कर रहे हमारे काम को कर रहे कोई अपनी रूह को प्रेम नहीं करे रूह को प्रेम करने वाला तो एक ही है जो उसको लगी है हमारी सुंदर जी ये मोमिन जो निकले हैं वो मोमिन की बताई कुर्बानी क्या कुर्बानी बताई सुंदर जी साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म अपनी आत्मा की भी कुर्बानी आत्म का निवेद किसके चरणों में कर दिया धामधनी के चरणों में निवेद कर दिया आत्म को उसके चरणों में बस धाम धनी जानो तो राजी रखो जानो तो दलगीर या पाक करो हादी पना या माहे बैठाओ हो तकसी सुंदर सा जी उसने ये चौपाई चो, चरितार्थ की है हम तो हाथ हुकम के हक के हाथ हुकम ये तुम्हारा पियाजी क्या चले जो जानो तो करो कसम ये उसने चरितार्थ करके रखी है हम तो सिर्फ बोलते हैं प्रैक्टिकल में हम नहीं है उसने प्रैक्टिकल चल के दिखाया है सुंदर जी तो हम पल पल सबके लिए मर रहे लेकिन धाम धनी के लिए हमारी अभी ये पहचान नहीं बनी है उस सुंदर की ये पहचान बन गई थी कि पल पल बस धाम धनी के बिना उसको एक पानी पिए ने तो बस धाम धनी की याद बस किसी और को देखे न तो बस धाम धनी की याद चले ने एक कदम रखे ने तो धाम धनी की याद मुंह में कुछ रखे तो धाम धनी की याद तो वैसे हमारे धाम के धनी जिसने सुंदर साद जी ये जो पहचान कराई और जो इस राह पर हमारे बारह मोमिन चले ये बारह मोमिनों की जो कुर्बानी है तो ये मोमिन सुंदर साद जी अपने धनी पर सब कुछ न्योछावर कर दिया दीन इस्लाम पर सब कुछ न्यौछावर कर दिया ऐसी पत्री आज हम पढ़ के सुंदर सा जी चर्चा करेंगे कि चौपाई ना छूटे कोई कोई चौपाइयाँ जो लेनी है वो चौपाई ना छूटे क्योंकि वैसे तो पत्री में एक सौ इक्यावन है लेकिन हमने कोई कोई चौपाइया का जो सुंदर सा जी एरा किया है वो वहाँ से हम चौपाई में आगे बढ़े तो पहले अब कहो में मजल की जो हुई लड़ाई शरीय त भैया कसाला मोमिनों पर साबित करने क्या मत अब कहो मैं मजल की जो हुई लड़ाई सरियत यहाँ सुंदर साजी लाल दासी के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं धाम धनी बता रहे हैं और यहाँ लाल दासी ने क्या बताया कि हुई लड़ाई जो सरियत सरियत मतलब कर्मकांड जो आडम्बरों को मानने वाले ये लोग के साथ जो हमारा एक धर्म युद्ध हमारा छेड़ा गया ये मोमिनों के साथ सुंदर साहद जी जो यातनाएं दी गई हमने अभी अभी सुना लेकिन हमारे बारह मोमिनों ने सुंदर साहद जी ये जो दरबारियाँ हैं औरंगजेब बादशाह के दरबारी लोग हैं उसके साथ जो धर्म युद्ध छेड़ा है भया कसाला मोमिनों पर साबित करने क्या मत उस टाइम पे सिद्दिक पोलाद ने जो मोमिनों पर यातनाएं दी क्यों दी तो मोमिन तो अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए एक पैगाम देने के लिए गए थे कि भाई हे दरबारी लोग हे औरंगजेब बादशाह इमाम मेहंदी जमा प्रकट हो चुके हैं जिसकी तुम राह देख रहे हो इतना ही नहीं क्यामत भी आ चुकी है क्यामत के साथ निशान भी जाहिर हो चुके हैं तो तुम इस बात को स्वीकार कर लो मेहंदी तेरे आंगन में आके खड़े हो गए हैं तो अभी जो तू स्वीकार नहीं करेगा तो तेरे को लानत लगेगी तो यहाँ सुंदर सा जी ये पहली चौपाई में बताया वो तब पाती लिखी हादी ने करने खातिर जमा मोमिन न सिखापन सब विद की सुनियो दिल रोशन तब पाती लिखी हादी ने करने खातिर जमा मोमि न सुन्दर सा जी तब जे ये यात्राएँ दी गई ने सिद्दीक पलाद के माध्यम से तो ये पत्र यहाँ से सुंदर साथ ने जो कांजी भाई को दिया और कांजी भाई सीजी जी के पास लेके कामा पहाड़ी में गए और अभी हमने थोड़ी देर पहले ये सुन लिया कि कामा पहाड़ी में सीजी जी ने पत्र सुनते ही अंदर बैठी हुई इंद्रावती की आत्मा तम तमा उठी और उसने अपने अंदर से जो पुकार की तो यहाँ बताया सीखापन सब विधि की सुनियो दिल रोशन सुन। सब प्रकार की सिखापन लिखी है पत्र के माध्यम से क्या क्या सिखापन लिखी ये हम आगे सुनेंगे लड़ाई के बखत में उल्टी भाई फते तब दिलासा सयन को पाती लिखी है। लड़ाई के बखत में क्या लड़ाई कोई सुंदर साजी तलवार से या कोई बर्छी से या बर्छी या कोई भाले से या कोई घन मशीन या कोई भी ऐसे शस्त्र अस्त्र से नहीं लड़ाई क्या है यहाँ सुंदर शाह जी ज्ञान की लड़ाई है क्या है या ज्ञान का युद्ध हुआ सुंदर शाह जी जो सुंदर साथ बारह मोमिन जब औरंगजेब बादशाह के दरबार में गए तो यहाँ बताया कि शोर शबद बानन का सुन से सुन के सब ओसी जहर अस्त्र शस्त्र की लड़ाई नहीं है ज्ञान युद्ध हुआ यहां शब्दों की लड़ाई हुई है उल्टी बाई मोमिनों ने अपनी वेशभूषा को छोड़कर क्या वेशभूषा धारण की मुस्लिम फकीरों की वेशभूषा धारण की और यहां बताया कि इतना ही नहीं फिर हमारा संदेश भी जब नलुओं के माध्यम से सुनाने के लिए हमारे मोमिनों ने उसके नदी के पांच अधिकारियाँ कौन अधिकारी थे पांच नजीद नदी के एक शेख इस्लाम काजी उसके दीवान थे और एक सुंदर साजी एक रजवी खान दीवान थे शेख इस्लाम काजी थे रजवी खान दीवान थे सिद्दीक पोलाद कोटवाल थे आकिल खान कुरान के प्रखर विद्वान थे और शेख निज़ाम उसके गुरु पीर थे पीर मीर आएगा आगे आगे कि उसके गुरु और ज्ञानी भी थे तो ऐसे जो पांच नदी के अधिकारी के पास जो नलुए भेजे लेकिन उसने अपने नलुओं को स्वीकार स्वीकार तो किया लेकिन शेख इस्लाम काजी ने अंतिम में क्या बोला था आगे भी आएगा कि भाई आपकी बात तो सही है आपकी बात तो सही है लेकिन हमारी शरीयत इजाज़त नहीं देती है क्योंकि जो अभी हम ये हम स्वीकार कर लेंगे तो ये बादशाह क्या करेगा हमारे पर जुल्म ढाएगा इतना ही नहीं हमारे जो शासन चल रहा है हिंदुस्तान पर पूरा बादशाह का उसकी जो सब मान्यताएँ है उसकी जो तानाशाही है उसका जो शासन की सुंदरशा जी जो धुनाधुन चल रहा है ये सब समाप्त शासन हो जाएगा इसलिए बादशाह ने बोला कि संदेश को अब ढक दो जब समय आएगा तो अपने आप इमाम में जाहिर हो जाएंगे और हम ये ये, ये क्यामत संबंधी संदेश को हम उस टाइम पे स्वीकार कर लेंगे अभी हम स्वीकार नहीं करेंगे तो यहाँ बताया कि लड़ाई के बखत में उल्टी हुई फते एक तो ये हुआ दूसरा क्या हुआ वेश भी बदलना पड़ा फ़कीरों का वेश भी धारण करना पड़ा तीसरा क्या हुआ तो शेख सुलेमान जब पत्र लेते जाते थे उसके बेटा अब्दुल्ला था न सेवा में तो जब हमारी बारी आई कलम ने सुना ने तो पत्र तो लिया लेकिन फाड़ कर जेब में डाल दिया तो ये भी तभी काम नहीं बना चौथा जब इमाम ने मुलाकात तो करवाई इमाम ने हमारी बादशाह के साथ मुलाकात तो करवाई लेकिन चबूतरे तले बारह मोमिन खड़े हैं महा बादशाह ऐसे एक सुंदर सा जी एक लाठी लेकर ऐसे है सुंदर साजी ऐसे खड़े हैं वहाँ चबूतरे के ऊपर और बोला इशारा कर रहे संकेत में कि भाई किस काम से आप आए हो और आपके साथ कोई साक्षी प्रमाण की किताब है तभी भी हमारी गलती क्या हो गई कि हमने बोला हाँ हमारे पास है लेकिन हमारे उतारे पर पड़ी हम अभी ये कुरान हदीसा जो भी आप मांग रहे हो हम लेके आ रहे हैं तब उस उतनी देर में तो सुंदरसाज जी बादशाह चला गया और सुंदरसा जी हमको पता है कि पीछे मोमिन भी दौड़े लेकिन बादशाह से हमारी मुलाकात नहीं हुई और बादशाह को थोड़ा ईमान भी आया तो नजदीक के अधिकारियों ने फिर उसको कान बमेरनी कर दी उसको भड़काया कि भाई उसकी बात को मानना नहीं है ना जानो कदाचित हमारे दुश्मन बनकर भी हिंदू ये मुस्लिम वेश में आए हैं तो वैसे वैसे मतलब बहुत से हमने ऐसे कई कई कार्य किए लेकिन सब में हमारी उल्टी वही फत्ते हमारी जीत नहीं हुई तो यहाँ बताया कि तब दिलासा सयन को पाती लिखिए है तभी दामदनी ने दिलासा शांत बना देने के लिए यह पत्र लिखा है अपने हाथे दस्खत लिखे मिने कलाम तिन की नकल कहत हु सुनियो मोमिन इस्लाम अपने हाथे दस्तखत सुंदर साजी सीजी ने अपने हाथ से लिखा पत्र अपने हाथ से खुद अपने हाथ से लिखा वो लिखे मीने कलाम तीन की नकल कह तू यहाँ लालदासी क्या कह रहे हैं हम सबको कि जैसा लिखा ने वैसा ही उसमें कोई भी परिवर्तन कोई भी बदलाव में नहीं लाया है अंदर जो जैसा लिखा श्री जी ने वैसा ही मैं साफ साफ आपको मैं लिख के बता रहा हूँ सुनियो मोमिन इस्लाम हे शांति की राह पर चलने वाले हे दिने इस्लाम की राह पर चलने वाले हे मोमिन हे मेरे लाडली आत्माएं ये वचन को ध्यान से सुनना है अभी किसको कह रहे हैं सुंदर साद जी हम सबको ठीक है और आगे बताया मेरे क्या लिखा है पत्र में देखिए आप मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार आत्म के आधार हो जीव के जीवन उस्तवार हम क्या बोलते हैं मेरे प्राण के प्रीतम हो तुम मेरे आत्म के आधार हो हम राज्य को बोलते हैं तुम मेरे जीव के जीवन हो तुम मेरे जीव के उस्तवार हो ए? जीवन के उस्तवार हो सुंदर सा जी या धाम धनी भी हमको क्या बोला तुम मेरे प्राणों के प्रीतम हो जीव के जीवन हो जीव के प्राण हो जीव के उस्तवार हो इतना ही नहीं हे मेरे बार मोमिन इतना ही नहीं हे अनंत राम हे लाल भाई हे श्याम भाई हे राम राय जो जितने सुंदर सातवा दिल्ली में मिले थे ना उसका नाम लिखते लिखते बोला कि सब तुम धनी की छत्रसाया में कहां रहना कहाँ रहना आप धनी की छाव तले रहना धनी की छत्रसाएँ में रहना ऐसा आनंद मंगल की मैं पत्र लिख कर आपके पास मैं कानजी बाई के माध्यम से भेज रहा हूँ इतना ही नहीं आप आनंद मंगल में रहना और इंद्रावती की आत्मा का इंद्रावती की आत्मा का मैं कोटि कोटि प्रणाम भी भेजती हूँ क्या बोला इंद्रावती की आत्मा ने मैं कोटि कोटि प्रणाम भी भेजती हूँ तो सुंदर सा जी देखो कोई भगवान होते ने तो उसके एक भक्त होते तो भगवान और भक्त का पद नीचे होता ठीक है भगवान ऊँचे आसन पर बैठते बीच में अंतर रहता कोई गुरु होता तो उसके शिष्य का बीच में अंतर रहता गुरु उच्च आसन पर बैठते वो शिष्य नीचे बैठते ठीक है तो वैसे जो यहाँ के एक भेद या बीच के जो सुंदरसाजी अंतराय होते लेकिन हमारे धामधनी ने क्या बोला तुम मेरे तन हो वाणी में क्या बोला हे रूहे तुम मेरे तन हो तुम मेरे क्या हो इश्क के सागर हो तुम मेरे तन हो तुम मेरे इश्क के सागर हो तुम मेरे और तुम्हारे बीच में कोई भेद नहीं है और कोई अंतराय नहीं है कोई जुदागी नहीं है तुम मेरे कोई नेत्र अंग हो कोई जुबान अंग हो कोई श्रवण अंग हो कोई अधूर हो कोई नासिका हो कोई नीलवट हो कोई सिर के बाल हो ऐसे व्यक्त मतलब मेरे सब अंग हो मेरे से तुम तो अलग नहीं हो ये मेरे प्राणों के प्रीतम मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के उस मेरी इंद्रावती की आत्मा का आप कोटि कोटि प्रणाम सुंदरसा जी धामधनी के वचन तो आप सुनिए कैसे दर्द भरे हैं कैसे प्यार भरे है कैसे मीठे वचन है और आगे बताया कि मेरे प्रेम बीने श्री साथ जी मेरे सांचे सुर धीरो पाँव भर दिखावत रूहो को तुम बैठे हो हक के तीर मेरे प्रेम भी ने सुंदर साजी क्या बताया तुम तो प्रेम के स्वरूप हो तुम तो प्रेम से भीगे हुए मेरे लाड ले मेरे प्यारे मेरे मीठे बोले साथ जी क्या बोला वाणी में भी बोला कि तुम मेरे मीठे बोले साथ जी हो तुम्हारा मीठी जुबान तुम्हारे मीठे वचन तुम्हारा मीठा प्यार है मीठी रूहे मीठी आत्माए कैसे मीठे विचार करती होगी मीठे दामदनी को रिझाती होगी मीठे मीठे वचनों से तो यहाँ बताया तुम प्रेम के स्वरूप हो तुम प्रेम से बिगे हुए हो मेरे प्रेम से भीगे हुए सुंदर साजी मेरे सांचे सुरधीर सुरधीर कहा क्या कहा धीर मतलब कोई एक बार रण मैदान में लड़ने के लिए चले जाए और फिर कायर बन के फिर वापस लौट आए तो उसको कहा क्या कहा जाता है रण छोड़ मतलब वो रण छोड़कर चला गया तो उसको क्या बोला रण छोड़ या क्या बताया है बताया कि तुम कायर नहीं हो तुम तो मेरे वीर हो धीर हो सुरधीर हो तुम तो कैसे वीर हो जैसे हम संसार में वीरों की बात सुनते ना चंद्रगुप्त मौर्य है चाणक्य कैसे वीर सुंदरसाज जी है महाराणा प्रताप है शिवाजी तो वैसे जैसे हम एक वीरों की बात सुनते हैं जैसे मान लो कि अभी के वीर कहूँ जो देश को आज़ाद करने के लिए सुखदेव भगत सिंह हैं सुभाष चंद्र बोस मतलब गांधी जी जिस जिसने देश के आज़ादी के लिए तो वो वीर तो कहलाएंगे आज़ाद देश को आज़ाद करने के लिए तो हमारे वीर कैसे हैं सुंदर साहद जी ये बारह मोमिन है जो एक हमारी सुंदर साहद जी एक न्यू है ये न्यू के एक पत्थर है जब नींव के पत्थर सुंदर जी हमारी नींव पक्की नहीं होती ने, तो अध्यात्म भवन खड़ा नहीं होता और कभी भी गिरने की वो डर रहता सुंदरसाह जी तो ये बाहर जो मोमिन है ने, वो पाया के सुंदर जी एक नींव के पत्थर है बारह मोमिन है यहाँ सुंदर जी आर और आगे बताया कि साँचे सुर धीर धीर किसको बोला क्या कि जिसके अंदर बहुत से गुण हैं धीर किसको बोला कि जिसके अंदर बहुत से गुण कुट कुट कर भरा है कैसा तो कि संतोष ज्ञान वैराग्य सुंदरसा जी प्रेम आनंद ऐसे बहुत से अंदर गुण करुणा धैर्य कुर्बानी समर्पण त्याग बलिदान जैसे अनेक जो गुण है सुंदर सा ऐसे वीरता के जो अंदर धीर का जो कुट कुट कर गुण भरे है ऐसे मेरे सूर धीर सुंदर साथ जी आप तो हमारे बारह हजार ध्यान से सुना आप तो हमारे बारह हजार जो ब्रह्मात्मा इस खेल में जो खेल देखने के लिए आई है ना, उसकी नींव में आप हो ये बारह हजार के सिखापन के रूप में आप हो, मतलब आपसे प्रेरणा मिलेगी बारह हजार को कि भाई ये बारह हजार सुंदर साथ जो यहाँ खेल देखने के लिए आए तो उसमें से बारह मोमिन निकले कुर्बानी के लिए और सबने क्या किया इस संसार में और सबने क्या किया तो आप तो सबके एक प्रेरणा बोध के समान हो सबके सिखापन के रूप में हो आपसे तो आने वाले अभी तो आप बारह हो क्या बोला श्री जी ने अभी तो आप बाहर हो आने वाले टाइम में आपको बाहर हजार मिलेगी आपको डरने की जरूरत नहीं है आने वाले टाइम में आपको बारह हजार मिलेगी लेकिन आपका ईमान बहुत अधिक रखना है आपको डरना नहीं है आप तो सबके प्रेरणा स्त्रोत्र हो और आगे बताया जिन सीर जिन लज्जा विराट बांधिया तीन लज्जा दिया सिर भान सब साथ का सिर ऊंचा किया सोई तुम्हें पहचान जिन लज्जा दिया ये संसार के लोग कैसे हैं कोई लज्जा मतलब शर्म मर्यादा से सब बंधे हुए हैं आज हमको भी होती है ना लज्जा मर्यादा शर्म क्योंकि आज हम भी परिवार से रिश्तेदार सगे संबंधियों उससे हम डरते ना कि क्या डर रहता है कि वो लोग बोलेंगे देखो नहीं वो तो भक्त बन गई है भगवान की या राज्य की देख रोज ही मंदिर चली जाती है और रोज सरसावा में क्या क्या चल रहा है तो रोज तीन बजे से लेकर छः बजे तक वहाँ दो घंटे रोज ये बीस दिन से जा रही है कौन बोलेगे संसार के मायावी लोग बोलेंगे लेकिन यहाँ धामधरी ने क्या बताया कि उसकी ओर देखना नहीं है बेचारे माया के जीव तो माया में ही फंसे रहेंगे उसका खुराक क्या है भाई माया के जीवों का खुराक क्या माया उसके बिचारे तो वही खुराक अच्छी लगेगी कि माया के काम क्या बाजार एक गोविंद भेड़ा की नगरी लगी है ने गोविंद पटेल नामक एक सुंदर भूत आएगा अंदर तो ऐसी एक नगरी लगी है तो संसार के जीवों को तो क्या है उठने के बाद बस अच्छे कपड़े अच्छे कपड़े पहनना अच्छे अच्छे व्यंजन खाने खाना और बस बाजार में मस्ती से घूमना शॉपिंग करना ये करना ये करना या शादी प्रसंगों में या कोई भी मांगलिक प्रसंगों में जाना ये बस यही तो काम है उसका और क्या काम है लेकिन हे महामती तेरे को तो मेरी लगी है ने, तेरे को तो मेरी लगी है ने, मतलब तेरे को धाम की लगी है ने, प्रियतम की लगी है ने, तू तो वही दर्द में डूब जा तू तो वही दर्द में डूब जा यहाँ क्या बताया कि तुम सिर लज्जा विराट ये पूरो विराट मतलब चौदह लोग पूरी लज्जा शरम से बंधा हुआ है इसलिए तो बताए त्रिगुण फा त्रिगुण फा सके फंद परे धनी सो फंदा निर्वारे वारी वारी जाओ में अपने पिया पर शोभा मुख से न आवे ये त्रिगुण के फंदे में सतो रजो और तमो ये तीनों गुण में पूरा संसार त्रिगुणात्मक बंधन में बंधे हुए हैं सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बंधे हैं सृष्टि की जितनी भी उत्पत्ति जीवों की हुई सब त्रिगुण के फंदे में फंसे हुए हैं तुमको तो अलग सी रहनी चाहिए यहाँ बताया कि लज्जा दिया सिरभान तुमने तो पहले से ही क्या किया तुम तो पहले से ही संसार की ओर से मर गए हो इसलिए मैंने पहले बताया न कि मरमर मर को तो कोई सब जाते लेकिन मोमिन मौत फर्क मोमिन मरेगी न सामान्य जीव की तरह वो नहीं मरेगी उसका मौत अलग है आपको थोड़ा विचार आएगा कि दीदी क्या मरने की बात करी ये शरीर से प्राण निकलने की नहीं मतलब मोमिन हर पल संसार के लिए मर रही है न सॉरी माया के जीव हर पल संसार के लिए मर रहे हैं न मैं अभी, अभी अभी बात छोड़ी ध्यान से सुनना माया के जीव हर पल संसार के लिए मर रहे हैं एक बार मर वो तो एक बार ही मरना होता है जब बार मर शरीर से प्राण निकलते न वो तो एक बार ही मरना ठीक है वो ही मरना तो कोई कठिन चीज नहीं एक बार प्राण निकल जाए तो ठीक है चलो दुख तो देखना नहीं लेकिन माया के जीव को ये पता नहीं है कि हम पल पल संसार में मर रहे संसार के लिए संसार के लिए हम पल पल मर रहे हैं तो मोमिन की रहनी अलग होती है वो संसार के लिए पल पल नहीं मरेगी वो कैसे मरेगी संसार से अपना मुख विमुख करके संसार से सुंदर शाह जी अपना मुख खिलाफ़ करके वो धाम धनी की ओर देखेगी उसके लिए वो पल पल मरेगी उसकी मौत में कैसी फर्क है वो जिएगी न तो भी जल में ना ही है, कोरे रहिए जागी माहे सुपन ये कैसी रहेगी जल कमलवत रहेगी रहेगी तो ये मोह सागर में लेकिन जल कमलवत रहेगी जैसे कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन जब कमल का फूल पूरा खिल जाता है तो किचड़ को छोड़ देता है ऊपर ऊपर जाके खिल जाता है वैसे मोमिन को पता लगेगा कि जो पूरा विराट है संसार एक कीचड़ है तो उससे ऊपर उठकर वो रहेगी सा जी बताया कि सिर भान सब साथ को सिर ऊंचा किया सो हुई तुम्हें पहचान अरे तुम बारह मोमिन निकल पड़े ने तो तुमने अपना सिर सिद्ध नहीं ऊंचा किया है तुमने धामधनी क्या बता रहे ये पूरे संसार मेरी पहचान करेगा इसलिए तो बताया कि शुद्ध देवो मेरी को सो तो दिया मैं तुमको ध्यान से सो तो दिया मैं तुमको सो खुले नहीं तुम भी न सुध देवो मेरी को तो चले तुम्हारा हुक्म जो मैंने तुमको दिया है ने वो किसी ने मैंने सबको ये धन नहीं दिया है जो मैंने तुमको दिया है वो खुले नहीं तुम भी न उसके राज उसके वेद ये आपसे खुलेगे बताया कि शुद्ध दे मेरी औरन को तो चले तुम्हारा हुक्म जब आप संसार में निकलोगी मेरी शुद्ध को देगी क्या देगी कि भाई ब्रह्म परमात्मा एक है आप एक परमात्मा के नाम पर न नवा अन्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते मतलब ये परमात्मा एक ही उस उसकी बराबरी कोई संसार में नहीं कर सकता कोई दूसरा तीसरा चौथा नहीं है और आप तो तैतीस करोड़ देवी देवता के नाम पर काल्पनिक पानी पत्थर की जो पूजा कर रहे हो ये परमात्मा नहीं है तो आप मेरी सुध देोगे ने तो चले तुम्हारा हुक्म तो यहाँ बताया कि सब सात का सिर ऊंचा किया आपने मेरा तो सिर ऊंचा किया ये संसार तो ब्रह्म परमात्मा को एक को जानेगे या मतलब मेरे नाम से ये जानेगे लेकिन सुध देने के लिए कौन गए हम गए ने? धामधनी तो स्वयं कहाँ बैठे है सुंदर साथ के दिल में तो मान लो अभी यहाँ चर्चा हो रही है तो धाम धनी तो बोल रहे हैं लेकिन पहचान रहे सब कोई किसको? आप बोलेगे तो वही बोलेगे ना भाई ज्योत्ना बेन है चर्चा की अब तो यही बोलेगे ना कर रहे कौन स्वयं धाम के धनी राज जी लेकिन दूसरे को आप क्या बोलेंगे? कि सरसावा में जोत्ना बहन चर्चा कर रही है तो ये, ये वजूद को तो शोभा मिली ठीक है मतलब दुनिया पहचाने की है वजूद को लेकिन पहचान किसकी करा रही है धाम धनी अक्सरा तीत की तो यहां बताया सुंदर जी कि आपकी भी शोभा बढ़ेगी आपको सब कोई पहचानेगा तू मेरी पहचान करवाने के लिए निकलोगी ने तो उसमें क्या बताया तू मेरा भी सिर ऊंचा होगा तुम्हारी भी शोभा संसार में होगी इतना ही नहीं हुई तुम्हें पहचान तुमने मेरे स्वरूप की पूर्ण पहचान कर ली है तो तुम्हारी वजह से बाहर हजार ब्रह्मात्माओं का सिर ऊंचा होगा मान मतलब पंद्रह बीस लोग कोई कार्यक्रम में गए ठीक है तो उसमें से दो तीन लोग जो भी सुंदर साद विद्वान लोग हैं वो चर्चा करेंगे मतलब चर्चा से सबको समझाएंगे तो हम भी साथ में गए हैं ना लेकिन हम किस बल पर गए हैं जो सुंदर साथ चर्चा कर रहे हैं उसके साथ गए तो उस बल पर हम गए हैं तो उस बल के साथ हम साथ में गए हैं लेकिन उस बल के हिसाब से वो लोगों का भी सिर ऊंचा होगा ना जो आठ लोग और साथ में गए हैं और लोग क्या कहेंगे संसार के देखो वो बारह लोग आए थे वो बारह लोग आए थे लेकिन उसमें बोलने वाले कितने थे तीन से चार आठ लोग साथ में गए थे लेकिन उसका भी सिर ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ वो लोग तो बारह लोग ही बोलेंगे ना साथ में जो देखने वाले लोग संसार के क्या बोलेंगे ये तो बारह पंद्रह लोग वहां से आए थे इतनी अच्छी चर्चा हुई इतना आनंद आया इतना सबके दिल को आनंदित कर दिया ये तो यही बोलेंगे ना ऐसा नहीं बोलेगे भाई दो लोग ने चर्चा की ऐसी की ऐसी नहीं की ऐसा क्या बोलेगे वो ये बारह लोग आए थे बहुत आनंदित कर दिया बोले के ने उसमें एक दो लोगों ने ये चर्चा का सुख दिया तो यहाँ भी बोला कि निकले बारह हजार आए हो बारह हजार में से तुम बारह निकले बारह ही निकले ने लेकिन सिर कितने के लोगों का ऊंचा हुआ कितने साथ का हुआ बारह हजार का तो यहाँ बताया कि ऊंचा क्या सो हुई तुम्हें पहचान सुंदर साथ जी यहाँ धाम धनी ने और आगे भी बताया आपो का निशंक आपो पानी संक डारिया मेरे साथ सब शोभा जोग एक दूजे से सिरो मन आगे कदम धरे इन भोग आपो पानी संक डारिया अपना सब कुछ मतलब अपनी अहंकार अपनी खुदी मेरे कहने का मेरे पास कुछ ही नहीं बचा मैं खड़ी हूं मान लो इतना कहने के लिए मैं तो मैंने बोला ने मैं तो मैंने बोला ने लेकिन मैं बोलूँ इतना भी मेरे पास नहीं रहा तो मेरे को क्या रहा बच्चा धनी के सिवा और कोई नहीं समझ में आया बोल बताया धनी ने मारिया कहिया काढ़िया कहिया कहिया हो जुदा यही मैं खुद ही खुदी टले तो बाकी रहिया खुदा मतलब मैं मैं कई बार बोलती हूँ कि मेरे से माया हट गई मेरी माया की ओर कुछ ध्यान नहीं है मैंने पति को छोड़ा परिवार को छोड़ा तो मैं तो रहा नहीं मैंने मैंने पति को छोड़ा ठीक है मैं परिवार को छोड़ा मैं बहुत ज्ञानी बन गई मैं ये संसार की धन संपत्ति छोड़ दी उसकी ओर मेरी कोई ध्यान भी नहीं है मेरे अंदर जो अहंकार था ये भी मैंने छोड़ दिया मेरी मैं खुद ही भी मैंने छोड़ दी ठीक है तो अभी मैं तो समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ रवि बेटा समझ आया? में आया मैं तो बनी रही नहीं उसमें भी मैंने यह छोड़ा मैंने ये किया मैंने ये धामधनी क्या समझा रहे पता ही है आपोपा निशंकदारिया तुम्हारे कहने के लिए भी ये भी चीज नहीं बची मैं हूं तुम्हारा अस्तित्व ही मिट गया और सुंदर सा जी एक बात कहू जब तक हमारा अस्तित्व हम नहीं मिटाएंगे ना तब तक पहचान नहीं होगी क्योंकि एक छोटा सा बीज भी हम बोते न जमीन में ये जब मिट्टी से नहीं दबता न तब तक अंकुर ऊपर रखो और पानी डालते रहो क्या अंकुर निकलेगा ऊपर बीज को रखो और पानी रोज डालते रहो तो क्या अंकुर निकलेगा नहीं निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा अपना अस्तित्व ही मिटाया नहीं है और एक दिन देखना बीज बोने के बाद तीन चार दिन पानी अंदर सुंदर साड़ी डालते रहना चार दिन के बाद देखना अपना अस्तित्व भी मिटा दिया होगा उसमें बीज नहीं बचा होगा पूरा अंकुर निकल के पूरा एक पेड़ का रूप ले लिया होगा ठीक है तो यहाँ क्या बताया कि अपनी खुदी में, 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 में। इसलिए तो बताया खिल नहीं किरण तन में मेरी मेरी करत दुनी जात है बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे पाऊ पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन कौन भी ना देवे क्या बताया मेरी मेरी करत दुनी जाते बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे सुंदर साची ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये बॉडी भी मेरा नहीं है क्योंकि एक बार अंदर से प्राण निकल जाने के बाद बॉडी भी पाँच लकड़ी में जला जाएगा कोई ऐसा घर के लोग होंगे जो अच्छे लोग हो गए ठीक लोग हो गए तो क्या करेंगे थोड़ी स जो सुखड़ की लकड़ी से जलाएंगे ठीक है बाकी तो इलेक्ट्रॉनिक अभी तो सुविधा हो गई अंदर रखा पांच मिनट में समझ में आया मेरी मेरी करदूनी जाते ये कोई अपना नहीं है या ये बताया बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे और हम कितना बोझ सिर ऊपर ढो रहे हैं ढोते 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 ये संसार रूपी चक्की में हम पीसे ही संसारूपी चक्की में आटा बनते ही जा रहे हैं, पता ही नहीं कि हम एक खुट्टे को पकड़ कर वहां रहे कि हम आटा ना बने ठीक है धामधरी ने क्या बताया ये वाणी है मेरी मेरी करत दुनी जाते बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे पांव पलक का नहीं भरोसा एक क्षण का भी भरोसा कि कब ये प्राण निकल जाएंगे ये श्वास आया और बाद में आएगा कि नहीं भाई पता है नहीं पता है ये श्वास आया लेकिन बात का श्वास आएगा या नहीं आएगा ये पता भी नहीं है तो भी पूरे ब्रह्मांड का बोर्ड चाहे लगता है कि ब्रह्मा नम उठाकर चल रहे ऐसा लग रहा है ना इतना बोझ सुंदर जी ये संसार कभी भी किसी का हुआ नहीं है वो रोने वाला भी नहीं है और भी आग सिर ले काम करे माया का निश्क पछाड़े आपंग भजन न करे दोष देवे साई को क्या कह भजन न देवे दोष देवे साई को भजन न करे दोष देवे साई को तो क्या हुए साधु बिना संग सुंदर जी क्या बताया सिर ले काम करे माया का हम बारह घंटे क्या काम करते हैं सिर ऊपर लेके माया का काम करते और निशंक पर छाड़े आप अंग यहाँ क्या बताया आप पोपा डारिया ये सुंदर साध सुंदर सा जी पांच घंटे बिजनेस पर अपना आपोपा निशंक डारिया या धाम धनी के निजान संप्रदाय की राह पर डाया, डारिया और हम पांच घंटे नहीं बारह घंटे किस पर हमारा सब कुछ न्योछावर करते हैं हम ये संसार की और ठीक है और सुंदर साथ ने कैसे निशंक आपोपा डारिया? बस धाम धनी ये तनी आपका आप जैसे रखो बस आप जो ही आज्ञा करो आप हुक्म तले में हाजिर है बताया कि मेरे साथ सब शोभा अरे मेरे बारे सुंदर सात आप तो शोभा के योग्य हो परम धाम में आपकी बहुत बड़ी गरिमा होगी बहुत बड़ी शोभा मिलेगी वहाँ हमारा सिद्ध नहीं ऊंचा होगा इसलिए तो बताया साथ जी सुंदर साह जी शोभा देखिए सुंदर साह जी करे कुर्बानी आतम हमारी हंसी नहीं होनी चाहिए सुंदर साहद जी परम धाम में एक दूजे से सिरोमन आगे कदम धरे इन भोग एक दूजे से सिरोमन ऐसा नहीं लालदा जी ने बोला कि धामधनी बस आदेश दे दी दीजिए बस हम मरने के लिए तैयार है मरेंगे तो धाम में जंगेंगे लालदा जी ने इतना बोला ठीक है दूसरा आया नागजी भाई का नंबर नागजी भाई ने बोला कि भाई परिवार के लिए तो बहुत मरे धामदनी आप जल्दी हुक्म करिए हम निजानंद संप्रदाय की राहत पर मरने के लिए तैयार है एक दूजे से सिरोमन एक से एक आगे ओड बढ़ो और आगे और एक एक के अंदर और एक आगे जोश आगे कदम धरे इन भोग सुंदर साथ जी और इससे आगे और सुंदर साथ ने बोला कि भाई ऐसे तो हमारे जीव कई जन्मों से जन्मता है मरता आ रहा है ये जो शोभा मिली है हमको इस संसार में तो ऐसे बताया कि एक दूजे से सीरोमन आगे कदम धरे इन भोग आगे कदम धरे इन भोग तो ऐसे हमारे सुंदर साथ ने एक से आगे एक एक से आगे ऐसे ऐसे कदम बढ़ाते एक से आगे और जोश और अंदर बल कि भाई धाम धनी हम बस मरने के लिए तैयार है मर फिटने के लिए हम तैयार है बस आपका आदेश चाहिए बस आपकी आदेश की इंतजार है और कुछ चीज नहीं चाहिए तो ऐसे हमारी मोमिनों की कुर्बानी सुंदर सा जी देख कर सिर्फ भी तक सुननी नहीं है मैंने बताया ना कि पत्र लिखा तो क्या लिखा कि कहने की बात नहीं है करने की बात है तो हम आज रोज सुंदर सा जी एक प्रण लेके यहाँ से जाना कल कोई दूसरा प्रण लिया आज एक और प्रण ले लो कि आज जो मोमिन चले ने बारह मोमिन तो ये बारह मोमिन बारह जा एक सिखापन के रूप में प्रेरणा स्त्रोत्र बने हैं तो हम भी आज उसमें से एक बोध लेकर यहाँ से जाए एक सीख लेकर जाए कि मोमिनों ने रोज के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया मैं एक साल में पाँच दिन के लिए तो ज्ञानपीठ को समर्पण करूँ अपना जो हमारे जुनेजा बाबू जी ने किया है सुंदर साहद जी हमारे भैया ने भी किया है ऐसे हमारे कई सुंदर साहद बाबू जी देखो धनी की सेवा में अष्टपोहर लगे हैं भैया जो भी मैं सबका नाम तो कैसे बताऊँ तो हम भी उस मुमिनों से एक सीख लेकर हम हमारे साल में जो भी कार्यक्रम उत्सव समय आए तो उस टाइम पे हम हमारी कुर्बानी ठीक है हम रोज़ के लिए तो निकलना ही नहीं है उस टाइम पे ये लीला चल रही थी कि रोज़ के लिए निकलना था आज तो बस हम बस पाँच दिन का कार्यक्रम लगे या चार दिन का या तीन दिन का या सात दिन का या चौदह दिन का लगे तो बस हमारी जितनी भी हमारी योग्यता के अनुसार हमारी सक्षमता के अनुसार तन मन धन या जीव देकर हमारा न्योछावर हमारी कुर्बानी जो हमारे मोमिनों ने चल के ये कदम साज़ी रखते हुए या आगे जो आज से सवा तीन सौ साल पहले बताया है तो हम भी उस राह पर चले और धामधनी के सामने मूल मिलावे में हमारे भी सिर ऊंचे हो ऐसा कहकर हम यवानी को विराम देंगे बोलिए श्री प्राणनाथ, सी श्री सतगुरु छुपाई दोहराएंगे इंद्रावती की, की वासना में लिखे प्रणाम कोटान कोट अविधारियों जी तीन को लीजो धनी की ओट लीजो धनी की ओट बोलिए श्री प्राणनाथ प्या श्री सदगुरु महाराज प्रणाम